हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, सबसे पहले हम समझेंगे एक फ्लो डायग्राम के द्वारा, आरेखी चित्र के द्वारा। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, उनको कार्बन श्रृंखला के आधार पर, कार्बन चेन के बेसिस पर दो वर्गों में क्लासिफाई किया गया है, दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जो यहाँ पर जो सबसे पहला वर्ग है उसका नाम है वेवरंत श्रृंखला यौगिक, या इसी को हम कहते हैं अचक्रीय यौगिक, इसी को हम कहते हैं एलिफैटिक यौगिक। तो ये तीन नाम मैंने आपको बताए, विवरंत श्रृंखला यौगिक, ओपन चेन कंपाउंड, असाइक्लिक कंपाउंड और एलिफैटिक कंपाउंड। और दूसरा जो वर्ग है वो है सवरंत श्रृंखला यौगिक, जिनको हम कहते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड, या हम कहते हैं चक्रीय यौगिक यानी साइक्लिक कंपाउंड। उसके पश्चात जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, जो चक्रीय यौगिक हैं, उनको पुनः वापस दो वर्गों में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पर जो सबसे पहला वर्ग है वो है समचक्रीय यौगिक, जिसे हम कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, या इसी को हम कहते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। और जो दूसरा वर्ग है वो है विषम चक्रीय यौगिक, जिसे हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब जो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, समचक्रीय यौगिक होते हैं, इसे पुनः आगे दो वर्गों में क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। जो पहला वर्ग है यहाँ पर उसका नाम है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक यौगिक। और यहाँ जो दूसरा वर्ग है उसका नाम है समचक्रीय एरोमेटिक, जिसे हम क्या बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ये तो हो गया फ्लो डायग्राम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण का। तो जो अभी हमने फ्लो डायग्राम देखा उसके आधार पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनको मुख्य रूप से दो वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। जो सबसे पहला वर्ग जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था उसका नाम था वेवरंत श्रृंखला यौगिक। और जो ये वेवरंत श्रृंखला यौगिक होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं अचक्रीय यौगिक कहते हैं। और जो दूसरा वर्ग है वो कौन सा है उसका नाम है सवरंत श्रृंखला यौगिक। और जो ये सवरंत श्रृंखला यौगिक होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं चक्रीय यौगिक, साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। मुख्य रूप से ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। किस आधार पर? कार्बन श्रृंखला के आधार पर। अब यहाँ जो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे यहाँ पर, जो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है विवरंत श्रृंखला यौगिक यानी अचक्रीय यौगिकों के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर ये ओपन चेन कंपाउंड होते क्या हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये विवरंत श्रृंखला यौगिक हैं या अचक्रीय यौगिक होते हैं, इसमें होता क्या है कि जो कार्बन श्रृंखला होती है, कार्बन श्रृंखला, उस कार्बन श्रृंखला का प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन, ये दोनों जो कार्बन हैं,
कार्बन श्रृंखला का फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में जुड़े नहीं होते, यानी ये आपस में बंधित नहीं होते। एक बात आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, और दूसरी बात ये कि इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, ओपन चेन स्ट्रक्चर, यानी कहने का अर्थ है इनकी विवरंत श्रृंखला संरचना होगी। क्या बता आपको मैंने, इनकी जो संरचना होगी वो विवरंत श्रृंखला संरचना होती है। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि इस वर्ग के कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनको हम प्राप्त करते हैं जंतु वसा से, जिसे हम कहते हैं एनिमल फैट से प्राप्त किया गया था इस वर्ग के प्रारंभिक यौगिकों को। और जो ये वसा होती है, फैट होती है, इसको हम ग्रीक भाषा में इसको नाम देते हैं। ग्रीक भाषा में क्या देते हैं फैट को, हम बोलते हैं इसको एलिफर। और इसके आधार पर ही इस वर्ग के जो यौगिक हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलिफैटिक यौगिक। यानी कहने का अर्थ यह है कि इस वर्ग के जो यौगिक हैं उनको हम एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं। ये हमने बात की यहाँ पर विवरंत श्रृंखला यौगिकों के बारे में। एक बार वापस देखिए, मैंने क्या बताया कि इस वर्ग के जो यौगिक होंगे उसमें कार्बन श्रृंखला जो होगी उसका प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, आपस में बंधित नहीं होंगे। इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, विवरंत श्रृंखला संरचना होगी। फिर आपको बताया कि इसके जो प्रारंभिक यौगिक होते हैं, प्रारंभिक सदस्य होते हैं, उनको प्राप्त किया गया था किससे, एनिमल फैट से, जंतु वसा से। और जो ये वसा होती है, फैट होती है, उसको ग्रीक भाषा में या ग्रीक शब्द में हम क्या बोलते हैं, एलिफर कहते हैं। इस आधार पर इस वर्ग के जो यौगिक होते हैं वे क्या कहलाते हैं, एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक कंपाउंड भी कहलाते हैं। फिर यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इस वर्ग के जो यौगिक हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, या हम कहें इनको दो वर्गों में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से वर्ग हैं, एक तो होता है सबसे पहला देखिए आप, जिसका नाम है अशाखित यौगिक, और दूसरे होते हैं या हम कहें इसको अशाखित एलिफैटिक यौगिक, या नाम देंगे आप इसको अशाखित, इसको हम नाम दे रहे हैं अशाखित अचक्रीय यौगिक, और दूसरे होते हैं कौन से, शाखित अचक्रीय यौगिक। इन दो वर्गों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है विवरण श्रृंखला वाले यौगिकों को या अचक्रीय यौगिकों को। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं अशाखित अचक्रीय यौगिकों के बारे में। ये क्या होंगे, इस वर्ग में वे यौगिक आएंगे जिनमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित सभी कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए होंगे। क्या बताया मैंने आपको कि इस वर्ग के जो यौगिक होते हैं उनमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित सभी कार्बन क्या होते हैं, एक सीधी श्रृंखला के रूप में उपस्थित होते हैं, कोई भी शाखा निकली हुई नहीं होती। इस वर्ग के जो यौगिक होते हैं, इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उन्हीं को हम अशाखित अचक्रीय यौगिक
या अशाखित श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। इस वर्ग के अगर हम एग्जाम्पल लें तो देखिए, मैंने यहां पर सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए ये लिया CH3, फिर लगा दिया CH2, फिर यहां लिखा CH2, फिर लगा दिया मैंने यहां पर CH3। इसका अगर आप नाम दें तो ये होता है एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन है। और आप देख रहे हैं कि जो ये एन ब्यूटेन है इसमें जो ये कार्बन श्रृंखला है सीधी है, और जितने भी कार्बन हैं वो एक सीधी श्रृंखला के रूप में क्या है उपस्थित है, इसमें कोई भी शाखा निकली हुई नहीं है। किस प्रकार का यौगिक है? यह एक अशाखित श्रृंखला वाला अचक्रीय यौगिक है। यह हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल है तो देखिए, मैंने यहां पर यह लिखा CH3, ये लिया CH, डबल बॉन्ड CH, और यहां लगा दिया मैंने CH3। जो कंपाउंड यहां पर ये लिया है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्यूट टू एन। और जो मैंने यहां पर ये ब्यूट टू एन लिया है इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो ये सीधी श्रृंखला है इसमें प्रेजेंट जो कार्बन है, उपस्थित कार्बन है, वो एक सीधी श्रृंखला के रूप में उपस्थित है और कोई भी शाखा निकली हुई नहीं है। तो यह भी क्या है? यह भी एक अशाखित श्रृंखला यौगिक है या अशाखित श्रृंखला अचक्रीय यौगिक है। अगला एग्जाम्पल मैंने और लिया, देखिए यह लिखा है मैंने यहां पर CH3, यह हो गया सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहां लगा दिया CH3। इसका नाम क्या है? चार कार्बन है तो ये हो गया ब्यूट। दो नंबर वाले कार्बन पर क्या रहे? त्रिबंध, तो ये हो गया ब्यूट टू आयन, YNE, ब्यूट टू आयन। इसमें भी आप देख रहे हैं जितने भी कार्बन हैं वो क्या है? एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट हैं, एक सीधी श्रृंखला में उपस्थित हैं। तो ये भी क्या है? यह भी एक अशाखित श्रृंखला यौगिक है। अब देखो, मैंने यहां पर अगला एग्जाम्पल ये ले लिया CH3, यहां लगा दिया मैंने CO, यहां लगा दिया CH2, आगे लगा दिया CH2, और यहां लगा दिया CH3। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेंटेन टू ऑन। और जो आप यहां देख रहे हैं पेंटेन टू ऑन में, इसमें क्या है? इसमें भी जितने कार्बन हैं वो सभी के सभी श्रृंखला में जो प्रेजेंट हैं वो एक सीधी श्रृंखला के रूप में, एक स्ट्रेट चेन के रूप में क्या है? प्रेजेंट हैं। यहां पर भी कोई शाखा निकली हुई नहीं है। तो मैंने यहां पर जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं ये सभी के सभी किस प्रकार के यौगिक हैं? ये सभी के सभी अशाखित श्रृंखला यौगिक हैं या अशाखित अचक्रीय श्रृंखला यौगिक हैं। अब यहां पर जो दूसरे प्रकार के जो यौगिक हैं वो है शाखित श्रृंखला यौगिक कहें या शाखित अचक्रीय श्रृंखला यौगिक कहें। इसमें क्या होगा कि जो कार्बन श्रृंखला होगी उससे क्या होगी? शाखा यानी ब्रांचिंग निकली हुई होगी। तो ऐसे यौगिक, ऐसे एलिफैटिक यौगिक जिनमें शाखा निकली हुई हो मुख्य कार्बन श्रृंखला से, वे सभी के सभी शाखित श्रृंखला यौगिक कहलाती हैं। एग्जाम्पल लें तो देखिए, मैंने यहां पर यह लिखा CH3, ये हो गया यहां पर CH, यहां लगा दिया CH3, और यहां लगा दिया मैंने CH3। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आइसो ब्यूटेन। क्या नाम बताया मैंने आपको उसका? आइसो ब्यूटेन। अगर आप ध्यान से देखें इसमें ये स्ट्रेट चेन है, और जो ये स्ट्रेट चेन है उससे शाखा निकली हुई है CH3 के रूप में। तो शाखा निकली हुई है तो ये किसकी श्रेणी में आएगा? ये शाखित श्रृंखला यौगिक की श्रेणी में आएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहां पर और ले लिया, ये लिया मैंने यहां पर CH3, और यहां पर भी लगा दिया मैंने CH3। और जो मैंने यहां पर ये लिया है जो आप देख रहे हैं इसमें देखोगे आप सीधी श्रृंखला यौगिक स्ट्रेट चेन, इससे अगर आप देखें इससे दो ब्रांचिंग निकली हुई हैं, इन दो जो शाखाएं निकली हुई हैं वो निकली हुई है CH3 समूह के रूप में।
तो ये भी क्या है, ये भी एक साखित्य श्रृंखला योगिक है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है नियो पेंटेन। ये है नियो पेंटेन। अगला एग्जाम्पल देखो, मैंने यहां पर और ले लिया, ये लिखा है मैंने यहां पर CH3 और यहां लगा दिया मैंने डलवॉन्ड और ये कर दिया मैंने CH2। और इस यौगिक को जो आप देख रहे हैं इसमें स्ट्रेट चेन सीधी श्रृंखला ये हो गई। इसमें क्या है, इसमें ये जो मेथिल ग्रुप है ये निकला हुआ है शाखा के रूप में, तो ये भी क्या है, ये भी एक साखित श्रृंखला यौगिक है। नाम देंगे तो इसका यहां पर नाम होता है 2-methylpropene, ये इसका नाम है। तो जो मैंने यहां पर तीनों एग्जाम्पल ये हैं, कौन कौन से, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन और 2-methylpropene, ये तीनों के तीनों क्या है, साखित श्रृंखला यौगिक है जिनमें ब्रांचिंग यानी शाखा निकली हुई है मुख्य कार्बन श्रृंखला से। यहां पर जो अपना दूसरा वर्ग है उसका नाम है सवर्त श्रृंखला या चक्रीय यौगिक। और जो ये सवर्त श्रृंखला या जो चक्रीय यौगिक होते हैं उसमें एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें जो कार्बन परमाणु होते हैं, कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन जो परमाणु हैं उनके साथ तो सम चक्रीय यौगिक का निर्माण करते हैं और जो कार्बन परमाणु हैं वो अन्य तत्वों के एटम्स के साथ किस रूप में होंगे, ये विषम चक्रीय यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे मान लिया, देखिए मैंने ये लिया, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है और यहां पर भी कार्बन है। आप देख रहे हैं कि ये सभी के सभी क्या है, कार्बन है। और यहां देखिए अगर एक सभी सभी कार्बन आपस में जुड़ जाएं और चक्रीय संरचना का निर्माण करें तो आप देख रहे हैं कि यहां पर सभी के सभी जो रिंग बना रहे हैं, चक्र बना रहे हैं, उसमें सभी क्या है, कार्बन है, सभी क्या है, समान है। तो ये कैसा हो गया, समचक्री यौगिक। समचक्री क्यों है, क्योंकि साइक्लिक को बनाने वाले सभी एटम क्या है, कार्बन है। तो ये तो हो जाएगा होमोसाइक्लिक, समचक्री की श्रेणी में आएगा। लेकिन मान लिया मैंने ये ले लिया इस प्रकार से, देखिए आप यहां पर अगर आप एग्जाम्पल लें तो देखो CH यहां लगा दिया CH, ये हो गया CH, यहां पर लगा दिया CH और यहां देखिए मैं लगा दिया नाइट्रोजन और द्विबंध और एकल बंध मैंने एकांतर क्रम में लगा दिए। अब देखिए आप ध्यान से कि जो ये स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बनाई है इसमें आप देख रहे हैं कि रिंग बनाने में ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन, ये कार्बन, लेकिन यहां पे कौन आ गया, नाइट्रोजन, विषम परमाणु आ गया, विषम परमाणु आ गया साइक्लिक को बनाने में। तो ऐसे यौगिक जो होंगे वो विषम चक्रीय यौगिकों की श्रेणी में आएंगे। और अगर किसी यौगिक में साइक्लिक यानी चक्रीय संरचना प्रेजेंट होगी, यानी कार्बन श्रृंखला का प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन आपस में जुड़कर साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करे, चक्रीय संरचना का निर्माण करे, तो ऐसे यौगिक जो होते हैं वे चक्रीय यौगिक या सवर्त श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। जो यहां पर सवर्त श्रृंखला या चक्रीय यौगिक होते हैं इनको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे मैं आपको बताया था, एक तो होता है समचक्रीय यौगिक और दूसरे होते हैं विषम चक्रीय यौगिक। तो यहां जो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे सम चक्रीय यौगिक के बारे में। किसके बारे में, समचक्रीय यौगिक यानी होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब आप जानते हैं सम मतलब समान,
ये क्या होंगे, ये वे यौगिक होंगे, यानी कि जो डेफिनेशन ध्यान रखोगे आप, क्या होंगे ये वे यौगिक जिनमें वलय निर्माण में केवल कार्बन परमाणु, कार्बन एटम ही भाग लें, वे सम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि वे यौगिक जिनमें जो वलय का जो निर्माण है वो केवल कार्बन परमाणुओं के द्वारा हो, वे यौगिक जो होंगे वे कहलाते हैं समचक्रीय यौगिक। और जो समचक्रीय यौगिक होते हैं इनको पुनः आगे दो वर्गों में बांटा गया है। इसमें जो सबसे पहला वर्ग यहां पर हम लेने जा रहे हैं इसका नाम होता है एली साइक्लिक यौगिक। ये सबसे पहला वर्ग है एली साइक्लिक यौगिक। और दूसरा वर्ग होता है एरोमेटिक यौगिक। तो यहां पर देखिए पहले हम बात करेंगे एली साइक्लिक यौगिकों के बारे में, एली साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो एली साइक्लिक यौगिक किस प्रकार के होंगे, यौगिक समचक्रीय यौगिक होंगे। ये होते क्या हैं, इनके जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, तो यहां ध्यान रखेंगे कि ये वे यौगिक हैं जो संरचना यानी स्ट्रक्चर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये चक्रीय यौगिक हैं। किसके आधार पर, संरचना के आधार पर कैसे यौगिक हैं, साइक्लिक कंपाउंड हैं, चक्रीय यौगिक हैं। लेकिन इनके जो गुण होते हैं या इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, गुणधर्म होते हैं, वो होते हैं एली फैटिक यौगिकों के समान होते हैं। ये बात यहां पर आप ध्यान रखेंगे। क्या बताया मैंने कि ये जो यौगिक होते हैं एली साइक्लिक कंपाउंड, एली साइक्लिक यौगिक संरचना की दृष्टि से किस प्रकार के यौगिक हैं, साइक्लिक कंपाउंड हैं, चक्रीय यौगिक हैं। लेकिन इनके जो गुण होते हैं वो एलिफैटिक यौगिकों के समान होते हैं। इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो क्या कहलाएंगे, एली साइक्लिक कंपाउंड, एली साइक्लिक यौगिक कहलाएंगे। अब जो यहाँ पर एली साइक्लिक कंपाउंड हैं उनका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए जो एली साइक्लिक कंपाउंड हैं उनके उदाहरण क्या क्या हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर यह लिखा पहले तो CH2, यहाँ लगा दिया CH2 और यहाँ पर भी लगा दिया CH2, इसको भी मैंने इस वाले कार्बन से जोड़ दिया। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, चक्रीय संरचना बन रही है और सभी जो वलय निर्माण में कार्बन एटम भाग ले रहे हैं तो ये क्या है, समचक्रीय है। इस संरचना को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो इस रूप में, इसको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसमें हम केवल बंध को दर्शा रहे हैं। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है साइक्लो प्रोपेन। तो ये जो साइक्लो प्रोपेन है, साइक्लो यानी चक्रीय है, प्रोप तीन कार्बन है और एन मतलब सभी में क्या है, इसमें एकल बंध प्रेजेंट है। दूसरा एग्जांपल लें तो देखिए मैंने यहां पर ये लिखा, ये लिया आपने CH2, लेंगे आप यहां पर CH2, ये कर दिया CH2, यहां लगा दिया आपने CH2 और यहां पर भी कर दिया आपने CH2। और जो ये संरचना बनाई है इस संरचना को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इस रूप में। और ये जो कंपाउंड है
इसका नाम क्या होगा? इसका यहां पर नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। साइक्लो मतलब चक्रीय, पेंट सॉरी साइक्लो चार कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। ये साइक्लो ब्यूटेन है क्योंकि चार कार्बन है, ब्यूट और एन क्या है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगला एग्जांपल यहां पे अगर हम लेते हैं इसका, तो देखिए मैंने यहां पर इस फॉर्म में लिखा इसको, अब ये लिखा मैंने इस प्रकार से लिख दिया मैंने सीधा। अगर आप इसको देखें तो देखिए आप इसमें काउंट कीजिए, इसमें कितने कार्बन हैं? एक दो तीन चार पाँच छः, छः कार्बन है और सभी के सभी क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लो, छः कार्बन है हेग्ज, सभी क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेग्ज एन। अगर मैं यहाँ पर एक लगा दूँ डलवोन, अब आप जानते हैं डलवोन के लिए हम लगाते हैं इन, तो इसका जो नाम होगा ये बताओ क्या हो जाएगा? इसका यहाँ नाम हो जाएगा साइक्लो हेग्ज इन, ये हो जाएगा इसका नाम साइक्लोहेग्जीन। तो जो ये साइक्लोहेग्जीन है ये भी क्या है? यह भी एक एलिसाइक्लिक यौगिक है। और एग्जांपल लें तो देखिए मैंने यहाँ पर ये ले लिया, इसको अगर आप ध्यान से देखें इसमें आप देखेंगे, पहले आप देखिए कितने कार्बन हैं इसमें, देखिए आप 1 2 3 4 5 पांच कार्बन है, तो ये क्या है? साइक्लोपेंटेन है। साइक्लोपेंटेन भी क्या है? एक एलिसाइक्लिक यौगिक है। अगर यहां पर मैं कीटो समूह को लगा दूं, डलोन लगा के लिख दिया मैंने ओ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका यहां नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेनोन। तो यहां पर आप देख रहे हैं मैंने यहां पर जितने भी कंपाउंड लिए हैं ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं? एलिसाइक्लिक यौगिकों के एग्जाम्पल हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, एरोमेटिक यौगिकों के बारे में। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये एरोमेटिक शब्द है, एरोमेटिक जो शब्द आप देख रहे हैं ये ग्रीक शब्द, एक ग्रीक शब्द होता है एरोमा से बना है। क्या बताया मैंने कि एरोमेटिक जो शब्द है एक ग्रीक शब्द एरोमा से बना होता है, इसका अर्थ होता है विशिष्ट गंध युक्त। तो इसका अर्थ यह है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक यौगिक होते हैं, ये होते कैसे हैं? इनकी विशिष्ट गंध होती है, स्पेसिफिक स्मेल होती है, ये पहला गुण हो जाएगा एरोमेटिक यौगिकों का। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उसमें होता क्या है? उसमें एक या एक से अधिक जो बेंजीन वलय हैं, बेंजीन रिंग है, वो क्या होती है? इनमें उपस्थित होती है। ये दूसरी बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे। क्या बताया कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उनमें होगा क्या? पहली बात तो ये विशिष्ट गंधयुक्त होंगे, दूसरा उनमें एक या एक से अधिक क्या होंगी? बेंजीन रिंग, बेंजीन वलय उपस्थित होंगी। और जो ये बेंजीन वलय होंगी उसमें ध्यान रखेंगे क्या कि जो सिंगल बॉन्ड हैं यानी एकल बंध हैं और जो डबल बॉन्ड हैं जिसे द्विबंध हैं, एकल बंध और द्विबंध ये दोनों के दोनों क्या होंगे? ये दोनों के दोनों ही एकांतर क्रम में उपस्थित होंगे, ये होंगे बेंजीन वलय में। एग्जाम्पल हम लेंगे अब एरोमेटिक यौगिकों की, तो देखिए आप पहले मैंने यहां पर इस प्रकार से लिखा CH, यहां लगा दिया मैंने CH, यहां लगा दिया CH, यहां पे कर दिया CH, यहां लगा दिया आपने CH और यहां लगा दिया आपने CH। यहां पे देखिए मैंने बताया था आपको कि इसमें एकल बंध
सिंगल बॉन्ड और जो डबल बॉन्ड हैं वो क्या होंगे एकांत क्रम में। तो देखिए आप यहाँ पर, यहाँ कर दिया मैंने डबल बॉन्ड, तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर क्या आ गया सिंगल बॉन्ड। तो जो आप देख रहे हो इसकी स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजीन। तो जो बेंजीन है ये किस प्रकार का यौगिक है, एक एरोमेटिक यौगिक है। और जो ये बेंजीन है इसको आप सॉल्ट में इस प्रकार से भी आप दर्शा सकते हो, इस रूप में जैसा मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ये और ये दोनों क्या है, एक ही है, नाम क्या इसका बेंजीन। ये हो गया आपका एरोमेटिक यौगिक का पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लें तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा, यहाँ मैंने बना दी पहले तो बेंजीन वलय जिसमें द्विबंध और एकल बंध एकांतर क्रम में हैं। ऊपर लगा दिया मैंने क्या यहाँ पर OH लगा दिया, और OH के लगाते ही इसका यहाँ पर नाम क्या हो गया, इसका यहाँ पे नाम हो गया फिनॉल। तो जो ये फिनॉल है इसमें भी आप देख रहे हैं बेंजीन वलय प्रजेंट है, तो ये भी क्या है एक एरोमेटिक यौगिक है। अगला एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पर और लिया, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर वापस ये बेंजीन रिंग बना दी, और जो ये बेंजीन रिंग मैंने यहाँ पे बनाई है अब क्या किया मैंने यहाँ पर ऊपर लगा दिया CH3 समूह लगा दिया जिसे बोलते हैं मेथिल समूह। तो जो ये यौगिक होगा बताओ इसका यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा टोलुइन। तो जो ये टोलुइन है इसमें भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो ये भी क्या एक एरोमेटिक यौगिक है। अब तक मैंने जितने एग्जाम्पल लिए हैं इन सब में एक एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट थी, मैंने बता रखा है आपको एक या एक से अधिक। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर दो बेंजीन वलय वाला एग्जाम्पल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा इस प्रकार से, यहाँ पर मैंने इस प्रकार से बनाया, इसको मैंने इस प्रकार से जोड़ दिया, और यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें ये हो गया द्विबंध एकल द्विबंध एकल, यहाँ द्विबंध है फिर एकल फिर द्विबंध फिर एकल द्विबंध फिर एकल बंध। तो आप देखोगे इसमें क्या है दो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और ये जो होता है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है नेफ्थलीन। और जो ये नेफ्थलीन है ये भी क्या है एक एरोमेटिक यौगिक है। अगर आप यहाँ पर तीन रिंग वाला एग्जाम्पल लेंगे, तीन रिंग आपस में जोड़ देंगे उसमें तीन रिंग प्रेजेंट होंगी, एक से ज़्यादा हो जाएंगी बेंजीन वाले, तो वो भी क्या हो जाएगा वो भी एक एरोमेटिक यौगिक होगा। तो जितने मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके एरोमेटिक यौगिकों के, एरोमेटिक कंपाउंड के। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं विषम चक्रीय यौगिकों के बारे में, जिसको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो आपको ध्यान है पहले तो हमने बात की थी समचक्रीय यौगिकों के बारे में, अब हमने यहाँ पर बात की है विषम चक्रीय यौगिकों के बारे में। तो ये होते क्या है विषम चक्रीय यौगिक, तो यहाँ ध्यान रखोगे वे चक्रीय यौगिक जिनकी वलय में कार्बन परमाणुओं के अतिरिक्त एक अन्य कोई विषम परमाणु उपस्थित हो। विषम परमाणु जैसे नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन इत्यादि में से कोई भी एक एटम प्रेजेंट हो, एक या एक से ज़्यादा, तो वो सभी के सभी किस कैटेगरी में आएंगे, वो सभी के सभी विषम चक्रीय यौगिकों की कैटेगरी में आएंगी। और जो ये विषम चक्रीय यौगिक हैं ध्यान रखेंगे ये एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि जो विषम चक्रीय यौगिक हैं उनके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसका नाम है थायोफिन, और जो ये थायोफिन आप देखें तो यहाँ देखोगे आप ये कार्बन 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 कार्बन, लेकिन यहाँ पे कौन आ गया सल्फर, मतलब कार्बन के अलावा जो विषम परमाणु यहाँ पर है वो कौन है एस यानी सल्फर है, तो ये क्या हो गया थायोफिन। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले रहे हैं फ्यूरेन, और जो ये फ्यूरेन है इसमें आप देखोगे कार्बन है कार्बन कार्बन कार्बन, यानी यहाँ पर चार तो है कार्बन लेकिन रिंग में एक कौन आ गया ऑक्सीजन,
यानी यहाँ पर जो विषम परमाणु हैं, हेट्रो एटम है, वो कौन है? ऑक्सीजन। इसका नाम क्या हो गया? फ्यूरेन। तो फ्यूरेन भी क्या है? एक विषम चक्रीय यौगिक है। अगला एग्जाम्पल लिया तो यहाँ देखोगे आप, कार्बन 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 कार्बन, यानी यह इसके रिंग निर्माण में पांच तो हैं कार्बन और एक कौन आ गया? नाइट्रोजन। यानी यहाँ पर जो विषम परमाणु है वो कौन है? नाइट्रोजन। इसका नाम यहाँ पर क्या है? इसका नाम है पिरिडीन। तो जो ये पिरिडीन है ये भी क्या है? एक विषम चक्रीय यौगिक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अगला एग्जाम्पल ले तो देखोगे आप यहाँ पे, इस प्रकार से ये रिंग यहाँ पर बन रही है। इस रिंग में आप देखेंगे यहाँ पर इधर इधर और इधर क्या है? कार्बन है, लेकिन यहाँ पे ये क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो यहाँ जो विषम परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। और सभी क्या हैं? एकल बंध हैं, सिंगल बॉन्ड हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, जिसको हम शॉर्ट में THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, THF भी कहते हैं। तो ये भी क्या एक विषम चक्रीय यौगिक है। तो आज जो हमने बात की टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक था अपना कार्बनिक यौगिकों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वो टॉपिक अपना हो गया कंप्लीट। धन्यवाद।